एपिसोड 6। आज खालिद जब मदीने की तरफ बढ़ता जा रहा था और उहद की पहाड़ी उफक से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी, उसे अपने कुछ साथी याद आने लगे। अकीदों के इख्तलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को यह ख्याल भी आया कि बाज़ लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते हैं कि वो उसके पैरोकार होते हैं। हक और बातिल के फर्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की जरूरत होती है। एक सवाल उसे फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूँ? अपना अकीदा मदीने वालों पर ठूसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? उसे अबू सुफियान की आवाज सुनाई दी जो एक ही रोज पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफेद हो गया है? सहरा में जाते हुए उन आवाजों ने कुछ दूर तक उसका ताकुब किया, फिर वो अपने उन दस्तों की याद में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून उसके सामने बह गया था। उसमें एक मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। कुरैश जो मौके से मुंह मोड़ गए थे कुछ दूर ही पहुंचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान को जा पकड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहां जा रहे हो? मुसलमानों का दमखम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मौर का फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। यहाँ फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और मुसलमान आन मिले। अब की बार फिर इब्न कुम्मा लड़ते हुए मुसलमानों का हलका तोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसअब रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन उमैर खड़े हुए थे और उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने करीब पड़े हुए दो तीन जख्मियों को पानी पिला रही थी। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गई। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया उस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने तलवार से उसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। सवार घोड़े के दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला ने घोड़े के ऊपर से कूद कर कुरैश के उस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मुसअब रजी अल्लाह तआला बिन उमैर का कद्दो कामत और शक्लो सूरत भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाबहत रखती थी। इब्न कुम्मा मुसअब को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर उन पर हमला आवर हुआ। मुसअब तैयार थे, उन्होंने इब्न कुम्मा का मुकाबला किया, फिर दोनों में तेगजनी हुई, लेकिन इब्न कुम्मा का एक वार मुसअब पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। मुसअब रजी अल्लाह तआला बिन उमैर बहुत लाडों में पले नौजवान थे, लेकिन तदफीन के वक्त उनका कफन भी अधूरा था। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुसअब रजी अल्लाह तआला अन्हु को गिरते देखा, गैज़ व गज़ब से इब्न कुम्मा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्न कुम्मा ने ज़िरह पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्न कुम्मा को कोई जख्म न आया। इब्न कुम्मा ने उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कंधे पर भरपूर वार किया जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब ही थे इब्न कुम्मा की तरफ बढ़े, लेकिन इब्न कुम्मा ने पेंतरा बदल कर आप पर ऐसा वार किया जो आपके होंठ पर पड़ा। तलवार होंठ से फिसल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर लगी। आपके पीछे एक गढ़ा था, आप जख्म खाकर पीछे हटे और गढ़े में गिर पड़े। इब्न कुम्मा ने पीछे हटकर गला फाड़ कर कहा, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया। वो यही नारा लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज कुरैश ने भी सुनी और मुसलमान भी। कुरैश को तो खुश होना ही था। मुसलमानों पर उसका बड़ा तबाह कुन असर हुआ कि हौसला हार बैठे और उहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगी। अपने नबी के शहदाइयों,
भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अगर नबी ना रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहें। तुम कैसे शैदाई हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के साथ ही तुम मौत से डरकर भाग रहे हो। मुसलमान रुक गए, इस ललकार ने उन्हें आग बगुला कर दिया। वो प्यादे थे लेकिन उन्होंने कुरैश के घुड़सवारों पर हमला कर दिया। ये हमला खालिद और अकरमा के घुड़सवारों पर हुआ। खालिद को आज याद आ रहा था कि उसके हाथों कितने ही मुसलमानों का खून बह गया था, उनमें एक रफा रजी अल्लाह तआला बिन वक्श भी थे। खालिद के दिल में दर्द की एक टेस सी उठी, उसे कुछ ऐसा एहसास होने लगा जैसे वो बेमकसद खून बहाता रहा है। लेकिन उस वक्त वो मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था। अब मुसलमानों का दमखम टूट चुका था, प्यादे घुड़सवारों का मुकाबला कब तक करते। वो मजबूर होकर पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने साथियों के साथ एक तंग सी वादी की तरफ जा रहे थे। जिस तरह मुसलमानों ने फतह की खुशी में अपना मोर्चा छोड़ दिया था और जंग का पासा अपने खिलाफ पलट लिया था, इसी तरह अब कुरैश के आदमी मुसलमानों की लाशों पर और तड़पते हुए जख्मियों पर माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए टूट पड़े। उनमें से कुछ कुरैश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकुब में चले गए, लेकिन आपके साथियों ने उन पर ऐसी बेजिगरी से हल्ला बोला, उनमें से ज्यादातर कुरैश को जान से मार डाला और जो बच गए वो भाग निकले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद जगह पहुंच गए। आपने वहां से सूरत हाल का जायजा लिया। आपके 30 सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु में से 16 शहीद हो चुके थे, जो 14 जिंदा थे उनमें ज्यादातर जख्मी थे। आपने बुलंदी से मैदान जंग का जायजा लिया। आपको कोई मुसलमान नजर नहीं आ रहा था। मुसलमान ये समझ कर के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके हैं सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर बिखर गए। कुछ वापस मदीना चले गए, कुछ कुरैश के इंतकाम से बचने के लिए पहाड़ी के अंदर मौजूद थे। यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जख्मों की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत मिली। आपकी बेटी हजरत फातिमा, जो आपको हर तरफ तलाश कर कर के थक चुकी थी, आपके पास आ पहुंची थी। करीब ही एक चश्मा था, हजरत अली रजी अल्लाह तआला वहां से किसी चीज में पानी लाए और आपको पिलाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्म धोने लगी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। खालिद को आज याद आ रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर ने उसे रूहानी इत्मीनान दिया था, लेकिन एक ललकार ने उसे चौंका दिया। वादी में ललकार की गूंज बड़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। कोई बड़ी ही बुलंद आवाज में कह रहा था, मुसलमानों खुशियां मनाओ, हमारे नबी जिंदा और सलामत हैं। इस ललकार पर खालिद को हंसी भी आई थी और अफसोस भी हुआ। उसने अपने आप से कहा था कि कोई मुसलमान पागल हो गया है। हुआ यूं था कि जिस तरह मुसलमान इक्का दुक्का इधर उधर बिखर गए या छुप गए थे, इसी तरह काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नाम का एक मुसलमान इधर उधर घूमता पहाड़ी के उस मुकाम की तरफ चला गया जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सस्ता रहे थे। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने जज्बात की शिद्दत से नारा लगाया, हमारे नबी जिंदा हैं। तमाम मुसलमान जो अकेले अकेले या दो दो चार चार की टोलियों में इधर उधर बिखर गए थे, इस आवाज पर दौड़कर आए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उसी आवाज पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए थे। इससे पहले अबू सुफियान मैदान जंग में पड़ी हुई हर एक लाश को देखता फिर रहा था। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्त मुबारक तलाश कर रहा था। उसे कुरैश का जो भी आदमी मिलता उससे पूछता, तुमने मोहम्मद की लाश देखी है? इसी तलाश में खालिद उसके सामने आ गया। खालिद, अबू सुफियान ने पूछा, तुमने मोहम्मद की लाश देखी है? नहीं, खालिद ने जवाब दिया। और अबू सुफियान की तरफ जरा झुक कर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मोहम्मद कत्ल हो चुका है? हाँ, अबू सुफियान ने जवाब दिया। वो हमसे बचकर कहाँ जा सकता है, तुम्हें शक है? हाँ अबू सुफियान, खालिद ने जवाब दिया। मैं उस वक्त तक शक में रहता हूँ जब तक कि अपनी आंखों से न देख लूं। मोहम्मद इतनी आसानी से कत्ल हो जाने वाला शख्स नहीं। मालूम होता है कि तुम पर मोहम्मद का तिलिस्म तारी है, अबू सुफियान ने तकब्बुर के लहजे में कहा। क्या मोहम्मद हम में से नहीं था? क्या तुम उसे नहीं जानते थे? जो शख्स इतनी कत्ल व गारत का जिम्मेदार है, एक रोज उसे भी कत्ल होना ही है। मोहम्मद कत्ल हो चुका है, जाओ और देखो, उसकी लाश को पहचानो, हम उसका सर काट कर मक्का ले जाएंगे। एन उसी वक्त पहाड़ी में से काब रजी अल्लाह तआला बिन मालिक की ललकार गर्जी, मुसलमानों खुशियां मनाओ,
हमारे नबी जिंदा और सलामत हैं। फिर ये आवाज बिजली की कड़क की तरह गरजती कड़कती वादी और मैदान में घूमती फिर रही थी। सुन लिया अबू सुफियान, खालिद ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोहम्मद कहाँ है। मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद को कत्ल कराऊंगा। कुछ देर पहले खालिद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया, पहाड़ी के उस मकाम की तरफ बढ़ने लगा जहाँ उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते देखा था। मशहूर मुअर्रिख इब्न हश्शाम की तहरीर से पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद को अपने सवारों के साथ उस घाटी पर चढ़ते देखा जहाँ आप थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली, खुदा ज़ुल्जलाल इन्हें इस वक्त वहीं कहीं रोक ले। खालिद अपने सवारों के साथ घाटी पर चढ़ता जा रहा था। वो एक दर्रा सा था जो तंग होता जा रहा था। घोड़ों को एक कतार में होना पड़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर पड़े थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खालिद और उसके सवारों को ऊपर आते हुए देखा तो वो तलवार निकालकर कुछ नीचे उतरे। वलीद के बेटे, हजरत उमर ने ललकारा, अगर लड़ाई लड़ना जानते हो तो इस दर्रे की तंगी को देख लो, इस चढ़ाई को देख लो, क्या तुम अपने सवारों के साथ हमारे हाथ से बचकर निकल जाओगे? खालिद लड़ने के फन को खूब समझता था। उसने देख लिया था कि ये जगह घोड़ों को घुमा फिरा कर लड़ाने के लिए मौजू नहीं है, बल्कि खतरनाक है। खालिद ने खामोशी से अपना घोड़ा घुमाया और अपने सवारों के साथ वहां से नीचे उतरा। जंगे ओहद खत्म हो चुकी थी। कुरैश इस लिहाज से बढ़तरी का दावा कर सकते थे कि उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये जंग हार जीत के बगैर खत्म हो गई थी। लेकिन ये हमारी शिकस्त थी, खालिद को जैसे अपनी आवाज सुनाई थी। मुसलमानों की नफरी 700 थी और हम 3000 थे। हमारे पास 200 घोड़े थे। हमारी फतह तब होती जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते। खालिद ने अपने आप में झुंझलाहट महसूस की। उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि उसके दांत बचने लगे। उसे जंग का आखिरी मंजर याद आने लगा था। उसने इस भयानक याद को जहन से निकालने के लिए सर को झटक दिया, लेकिन मक्खियों की तरह ये याद उसके इर्द गिर्द भिन भिनाती रही। जंगजू यूं नहीं किया करते। खालिद जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की ललकार पर वापस आ रहा था, उस बुलंदी से उसकी नजर मैदान जंग पर पड़ी। वहां लाशें बिखरी हुई थीं, शायद उनमें बेहोश जख्मी भी होंगे। लाशों और जख्मियों को उठाने के लिए ना भी मुसलमान आगे बढ़े थे ना अहले कुरैश। खालिद को अबू सुफियान की बीवी इंदा नजर आई। वो हाथ में खंजर लिए हुए दौड़ी चली आ रही थी। उसके इशारे पर कुरैश की वो औरतें जो कुरैश के लश्कर के साथ आई थीं, उसके पीछे पीछे दौड़ी आईं। हिंदा हर एक लाश को देखती थी। वो ऊंचे कद की और फरबही माइल जिस्म की पहलवान किस्म की औरत थी। वो हर एक लाश को देखती थी। कोई लाश औंधे मुंह पड़ी हुई नजर आती तो वो पांव की ठोकर से उस लाश को सीधा करके देखती। उसने अपने साथ की औरतों से कहा कि वो हमजा की लाश तलाश करें। उसे हमजा की लाश मिल गई। हिंदा भूखे दरिंदे की तरह लाश को चीरने फाड़ने लगी। उसने लाश के कुछ आजा काटकर परे फेंक दिए। उसने दूसरी औरतों को देखा जो उसके करीब खड़ी थी। खड़ी देख क्या रही हो? हिंदा ने उन औरतों से यूं कहा जैसे वो पागल हो चुकी हो। ये देखो, मैंने अपने बाप, अपने चचा और अपने बेटे के कातिल की लाश का क्या हाल कर दिया। जाओ, मुसलमानों की हर एक लाश का यही हाल कर दो और सबके कान और नाक काट कर ले आओ। अब वो औरतें मुसलमानों की लाशों को चीरने फाड़ने के लिए वहां से हट गईं, तो हिंदा ने खंजर से हमजा का पेट चाक करके उसके अंदर हाथ डाला। उसका हाथ बाहर आया तो उसमें हमजा का कलेजा था जो हिंदा ने खंजर से काट लिया। उसने उसी पर इत्तफा न किया। हमजा के कलेजे का एक टुकड़ा काटकर उसने अपने मुंह में डाल लिया और बुरी तरह उसे चबाने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कलेजे के उस टुकड़े को उगल दिया। खालिद को दूर अबू सुफियान खड़ा नजर आया। हिंदा की इस वहशियाना हरकत ने खालिद का मजा किरकिरा कर दिया था। वो जंगजू था। वो सिर्फ आमने सामने आकर लड़ने वाला आदमी था। अपने दुश्मन की लाशों के साथ ये सलूक न सिर्फ ये कि उसे पसंद न आया, बल्कि उसने नफरत की निगाह से देखा। अबू सुफियान को देखकर खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान के पास जा खड़ा हुआ। अबू सुफियान,
خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہندہ کو جانتے ہو خالد؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے، اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہندہ کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کے لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہندہ حمزہ کی لاش کا کلیجہ چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن حرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچھی تھی جس سے اس نے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو ابن حرب؟ ہندہ نے تحکمانہ لہجے میں اس سے کہا۔ جاؤ اور مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن حرب بولتا بہت کم تھا، اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لی جائے۔ اس نے ہندہ کا حکم ماننے کے بجائے اپنا ہاتھ ہندہ کے آگے پھیلا دیا اور اس کی نظریں ہندہ کے گلے میں اٹکے ہوئے سونے کے ہار پر جم گئیں۔ ہندہ کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھے ہیں وہ تمہارے ہوں گے، اور وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہندہ نے اپنے تمام زیورات اتار کر وحشی بن حرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہندہ پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن حرب، ہندہ نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہندہ نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو تو تمہیں اپنے زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہندہ نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون سی ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے لے جاؤ۔ وحشی بن حرب نے اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ہندہ کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کی نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کی ہولناکی میں سے ہندہ کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے مورکے کا حساب برابر کر لیا ہے، ایک خونریز مورکے کے بدلے ہم نے ایک خونریز مورکہ لڑ لیا۔ عتبہ کا غم میری برداشت سے باہر تھا، عتبہ میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر لی ہے، وحشی نے میرے دل کے درد کا مداوع کر دیا ہے، میں عمر بھر وحشی کی احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا، وہ پہلے ہی منہ پھیر چکا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ محمد زندہ ہے۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد ہے۔ ابو سفیان یہ کہہ کر اس تنگ سے درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا۔ وہ اسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محمد کے پیروکاروں، ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تم میں محمد زندہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرایا، اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہے؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا، اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ تین بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا، اس نے نیچے دیکھا، قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبریں سننے کو بیتاب کھڑے تھے۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد مر چکا ہے، ابو بکر و عمر بھی زندہ نہیں، اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے، خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے، لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن،
दर्रे की बुलंदी से हजरत उमर की आवाज गूंजी, इतना झूठ न बोल, वो तीनों जिंदा हैं जिनके नाम लेकर तू उन्हें मुर्दा कह रहा है। अपने कबीले को धोखा मत दे, तुझे तेरे गुनाहों की सजा देने के लिए हम सब जिंदा हैं। अबू सुफियान ने तंजिया कहकहा लगाया और बुलंद आवाज से बोला, इब्ने खत्ताब, तेरा खुदा तुझे हमसे महफूज रखे, क्या तू अब भी हमें सजा देने की बात कर रहा है? क्या तू यकीन से कहता है कि मोहम्मद जिंदा है? अल्लाह की कसम, हमारे नबी जिंदा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब की आवाज जवाब में गरजी, और अल्लाह के रसूल तुम्हारा एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। अरबों में रिवाज था कि एक मोर्चा खत्म होने के बाद दोनों फरीकों के सरदार या सालार एक दूसरे पर तानों और भक्तियों के तीर बरसाया करते थे। अबू सुफियान इसी दस्तूर के मुताबिक दूर खड़ा हजरत उमर से हम कलाम था। तुम हुबल और उज्जा की अजमत को नहीं जानते, अबू सुफियान ने कहा। हजरत उमर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा बोल नहीं सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को बताया कि वो अबू सुफियान को क्या जवाब दे। ओ बातिल के पुजारी, हजरत उमर ने बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह की अजमत को पहचान जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकत वाला है। हमारे पास हुबल जैसा देवता और उज्जा जैसी देवी है, अबू सुफियान ने कहा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा देवता या देवी है? हमारे पास अल्लाह है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की जबान से कहलवाया, जो हजरत उमर ने बुलंद आवाज से कहा। तुम्हारा खुदा कोई नहीं, जंग का फैसला हो चुका था, अबू सुफियान ने कहा। तुमने बदर में फतह पाई थी, हमने इस पहाड़ी के दामन में तुमसे इंतकाम ले लिया। अगले साल हम तुम्हें बदर के मैदान में ही मुकाबले के लिए ललकारेंगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए। अब तुम्हारे साथ हमारी मुलाकात बद्र के मैदान में ही होगी। अबू सुफियान ने घोड़ा मोड़ा, घोड़ा दो कदम ही चला होगा कि उसने घोड़े को रोक लिया। ए उमर, अबू बकर और मोहम्मद, अबू सुफियान ने अब के जरा ठहरी हुई आवाज में कहा, तुम जब मैदान से अपनी लाशें उठाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके आजा कटे हुए होंगे और उन्हें चीर फाड़ दिया गया होगा। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया था और मैंने तुम्हारी लाशों के साथ ये सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। अगर उसका इल्जाम मुझ पर आयद करोगे तो मैं उसे अपनी तौहीन समझूंगा।